भैया ये वीडियो बहुत स्पेशल है। स्पेशल इस वजह से है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग जिम जाते हो कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जरूर कंज्यूम कर रहे हो, पर कंफ्यूजन जैसे कि क्रिएटिन को कब लें, एल-आर्जिनिन और एल-कार्निटाइन में फैट बर्नर कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्या सच में हमें BCAA पे पैसा लगाना चाहिए, सच में ये हमारे मसल बिल्ड करने मदद करेगा। इस वीडियो में मैं अपने टॉप 5 सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा, उन्हें रैंक करूंगा 5 से लेके 1 तक, रैंक 1 सबसे स्ट्रॉन्ग और बेस्ट होगा। इसके साथ ही इन सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब लेना है। चलते हैं सीधा सप्लीमेंट पर। तो सप्लीमेंट होगा BCAA, मुझसे पूछो तो ये वाहियात सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और कैसे के पहले समझना होगा ये है क्या। ये प्रोटीन के होते हैं 20 सारा ऐसे अमीनो होते हैं जो शरीर बनाती, 9 ऐसे जो शरीर नहीं बना। अब उनके बचते हैं दो तरीके, तो अपने उसे डाइट में ले लो या फिर सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाओ। ऐसे मेरे भाई अंडा चिकन मछली वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं मेरे जैसे, वो ऑलरेडी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 115 ग्राम प्रोटीन पर डे खा रहा हूँ तो उसी में मेरे BCAA की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, कोई जरूरत नहीं मैं अलग से। सप्लीमेंट ऐसा है भैया कि आपके दिन की डाइट अगर 3-4 अंडे भी हैं, इसके 2 चम्मच से वो ज्यादा BCAA प्रोवाइड कर देंगे। अब आपकी कैलोरीज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मेरा एग्जांपल ले लो, 1500-1600 कैलोरी खा रहा मैं जाऊंगा, अगर एक अंडा ऑमलेट खाने तो 100 कैलोरी छू जाए, अच्छा मैं 30-40 कैलोरीज में ये ना एक ले लूं। यहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। आप वेजिटेरियन नहीं हो या फिर ऐसे स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हो और मसल बिल्डिंग कर रहे हो, लीन गेन कर रहे हो, तो भैया इस डिब्बे को ऐसे फेंक देना और कभी ना खरीदना, कोई कितना भी प्रचार करे। इसी वीडियो में इस सप्लीमेंट को दिखाया था यूज कर, स्टिल आई बिलीव ये इतना यूजफुल नहीं है जितना इसकी हवा है। रीजन क्या, देखिए भैया है ये अमीन, इसका मेन काम जो है वो फैट सेल्स को कन्वर्ट करना है एनर्जी में। तो लोग सोचते थे कि भैया फैट लूज करा देगा, यही पी के मैं पूरा जिंदगी एकदम सिक्स पैक बना लूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। पता है क्योंकि कीटोन्स का कन्वर्जन तभी चालू होता है जब शरीर में ऑलरेडी कुछ बचता ना हो या फिर हम उतना खा ही ना रहो, या तो आप ऑलरेडी 12-11 बॉडी फैट परसेंटेज पे हो जहां पे बॉडी की मजबूरी बन जाए फैट सेल्स को तोड़ना, या फिर आपकी डाइट ही कैलोरी डेफिसिट में और बहुत परफेक्टली बनी हुई डाइट हो कि सिर्फ उतना का जितना शरीर को जरूरत, ये कैलकुलेट कर पाना आसान नहीं है। होता मेरे सारे भाइयों के सिक्स पैक होते और मसल बिल्ड करके इतने बड़े दिख रहे हो। ऑलरेडी 10-11% बॉडी फैट पे हो, दैट मींस आपके पास नॉलेज है, जेनेटिक्स एक्सपीरियंस है, तो इसकी जरूरत आपको है। अगर आप बिगनर हो जहां फैट लूज करना चाहो, भी दिक्कत फंस जाएगी कि भैया आपको डाइट बनाना उतना अच्छा आता ही नहीं, आपको एग्जैक्ट कैलोरीज, अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट ट्रेनिंग का रेफरेंस, ये सारी चीजें आप कर ही नहीं पाओगे। तो जब आप एग्जैक्ट डाइट पे आओगे ही नहीं जहां ये फायदा दिखाना असल में चालू करे, खरीदने का फायदा ही क्या। हाँ बट इसका बेनिफिट भी है, आपको रिकवरी थोड़ी बढ़ा देगा, आपकी मेटाबॉलिक रेट थोड़ी बढ़ा देगा जो फैट लूज करने में मदद करेगा, आपका प्रोटीन सिंथेसिस लेवल में भी इसका थोड़ा बहुत हाथ रहता है, तो मददगार है, बस इसका टाइमिंग बहुत जरूरी, इसलिए इसको रैंक 4 पर। चलिए मिलते हैं आपके रैंक 3। तो तीसरे पे आने वाला हमारा वे प्रोटीन, तीसरे पे ये इसलिए क्योंकि ये वास्ट ऑडियंस को कवर करता है। भैया आप जिम जाओ चना जाओ इसे खा सकते हो, फैट लॉस कर रहे हो तब इसे खा सकते हो, मसल बिल्ड कर रहे हो तब इसे खा सकते हो, ये मदद भी करता है आपके हर गोल्स में, सिर्फ खाने की बात। साथ ही भैया बहुत कम समय लेता है जहां पे 25-26 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को दे देता है एक अच्छे टेस्ट में, एक लो कैलोरीज में, तो हर प्लान में सेट कर देता है। साथ इसका नुकसान भी है, पहली चीज तो ये बहुत महंगा पड़ता है। देखिए न्यूट्रा पे काफी बजट में आता है, 2400-2500 मिलेगा। युवराज कूपन कोड लगाओगे किसी भी सप्लीमेंट पे तो आपको 10-15% डिस्काउंट मिल जाएगा, बट स्टिल 2500 से लेके 6000 तक पे कर पाना मेरे हर भाइयों की बस की बात है, ये अनअफोर्डेबल हो जाता है। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा मिथ चलता है, भैया वे प्रोटीन नहीं लिया तो बॉडी नहीं बनेगी। समझना होगा भैया कि शरीर की रिक्वायरमेंट प्रोटीन है, वो डिब्बे से आए चाहे चिकन से आए चाहे पनीर से आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी डेली इंटेक पूरा हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं इसकी, भैया नॉर्मल खाना खाओ उससे भी बॉडी बनेगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको बेहतर फायदा मिलेगा, पर नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी या फैट लॉस। तो आइए अब चलते हैं मेरे फेवरेट सप्लीमेंट टू। ज्यादातर वीडियो में मैंने एल-आर्जिनिन की तारीफ की, उसका एक रीजन है, देखिए हर तबके का इंसान किसी भी उम्र का इसे कंज्यूम कर सकता है, वो वेट लॉस हो चाहे वो वेट गेन हो चाहे मसल बिल्डिंग हो, आप इसे कंज्यूम करो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। इसके साथ आपके ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट हेल्थ, आपके ब्लड में ऑक्सीजन के फ्लो हर जगह आपको असिस्ट करता है। इनको नहीं पता मैं बता दूं, ये भी प्रोटीन का ही हिस्सा है, आप जब भी चिकन अंडा खाते हो उसमें ये रहता ही रहता है, तो कुछ ऐसा नुकसानदायी नहीं अगर आप इन केस अगर आपको ना पता। साथ में इसकी कॉस्ट बहुत कम रहता है, किसी भी कंपनी का ले लो भैया 1000 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा लेना, ये तो न्यूट्रोबे का लीजिए भैया। बेनिफिट कैसे देता है, सबसे पहले भैया आपकी बॉडी में नाइट्रोक्साइड लेवल्स बढ़ा देता है। इससे होता क्या, आपके शरीर में जो रक्त का मूवमेंट होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, और रक्त के अब आपके ब्लड के मूवमेंट की वजह से आपकी मसल्स जो है न्यूट्रिशन पा पाती है, जो आप खा रहे हो वो शरीर में लग पाता है, आपकी ऑक्सीजन की मूवमेंट अच्छी हो जाती है, हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचता है, इस वजह से आपकी मसल्स जो है वो तेजी से ग्रो कर सकती है, आपकी शरीर का जो ग्रोथ है वो सही रूप से हो पाता है, बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से वैस्कुलैरिटी बहुत हो जाती है, जो आजकल बहुत एस्थेटिक लगने के लिए लड़के के पीछे भागते ही भागते कि भैया हाथ पे फोरआर्म्स में
नसी नसर है। तीसरा जो सबसे कम लोग जानते भैया, इससे स्ट्रॉन्ग फैट बर्नर कुछ है ही नहीं। अब देखिए, रक्त अगर आपके हर कोने पहुंचेगा तो आपके स्टबन फैट पे भी पहुंचेगा, आपके लोअर एब्स हुए, आपके हिप्स हुए, लोअर चेस्ट हुए, वहां भी जाएगा। वहां से जो स्टबन फैट है जिसको शरीर यूज नहीं कर पा रही, जिससे एटीपी नहीं यूज हो पा रहा, वो ब्लड के साथ यूज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे फेज में हैं जो चाहते हैं कि अपना साइड फैट हुआ, अपना लोअर एब्स हुआ, स्टबन फैट हुआ बर्न करना है, तो भैया इससे स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट कुछ है ही नहीं। ये है एलार्जिनिन का मामला। तो चलते सीधा रैंक वन पे। नंबर वन पे ऑफकोर्स आने वाला है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसकी जितनी डिमांड है उतने ही इसके डाउट है। पर समझते हैं ये न्यूट्रा बेगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको मदद कैसे करता है। क्रिएटिन है तो एक प्रोटीन का हिस्सा है। स्पेसिफिकली क्रिएटिन को जब आप कंज्यूम करते हो तो आपकी शरीर की एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बढ़ा देता है। उससे आपको ताकत ज्यादा महसूस होती है, मसल जल्दी बिल्ड होता है, आपकी जो ट्रेनिंग में या रनिंग में जो वियर एंड टियर हुआ उसकी रिकवरी ज्यादा होती है। बहुत सारी स्टडीज में ये मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ा देता है जिससे आप फैट लॉस करते हो। कुल मिला जुला के बहुत ताबड़तोड़ सप्लीमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। सबसे पहले हम सवाल की बात करें कि भैया क्या क्रिएटिन सेफ है। ये हमारी शरीर बचपन से बना रही है, जब से युवराज पैदा हुए तब से मेरे शरीर में क्रिएटिन है। किसी भी स्टडीज में आज तक का सबसे रिसर्च सप्लीमेंट क्रिएटिन है, आज तक एक भी कमी नहीं पाई गई। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है जो इंजेक्शन लेते रहे, उसके साइड इफेक्ट आते तो वो थोप देते हैं क्रिएटिन की वजह से हुआ। अब वो सबसे ये नहीं लगाएंगे या जिसकी आप तारीफ कर रहे थे तो हम कोच के बनाए थे, वो तो हम जज चली जाएंगे, तो थोप देते हैं क्रिएटिन पे। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि भैया खाएं कब। भैया देखिए, क्रिएटिन का कोई समय नहीं है। 24 घंटे के अंदर एक फिक्स अमाउंट खाइए। जैसे मैं 6 ग्राम खाता हूँ, अब सुबह खाऊं, शाम में खाऊं, दोपहर में खाऊं, सेम रिटर्न। ऐसे लोग जो फिक्स टाइम पे लेना चाहते हैं ना, पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं कि भैया वे में मिला के पी लीजिए, पर आप चाहो तो सुबह शाम कभी भी लीजिए, सेम ही। और बड़ी दिक्कत है कि भैया क्रिएटिन से शरीर पानी पकड़ती है। समझिएगा, ये मेरा मांस है, ये मेरी चमड़ी है, तो क्रिएटिन मांस के अंदर इंट्रासेलुलर वो पानी पकड़ रहा है, ये चमड़ी और मांस के बीच में नहीं पकड़, जिसे चर्बी देख के आप डिमोटिवेट हो। किस गोल के लिए उचित है? ये देखिए, क्रिएटिन आपको मसल बनाने में, रिकवरी देने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में, मेटाबॉलिक रेट तेज करने में, सारे प्रोसेसेस में मदद कर रहा है जो आपको फैट लॉस, वेट गेन, मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस देता है। भैया अगर आप फैट लूज कर रहे हो तो भी मददगार है, वेट गेन कर रहे हो तो भी मददगार है, मेरे जैसे लीन गेन वाले लोग हैं तो भी मदद। डाउट हो तो भैया इंस्टाग्राम पे आप संपर्क कर लीजिएगा, सबका रिप्लाई देता, एक आध दिन लेट हो जाता है पर देता जाता। यहीं तक थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।